स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पे। दोस्तों आज देख सकते हो हमारा इंडोर यूनिट है और कितना सारा आइस आया हुआ है। कभी कभी तो आपने देखा होगा आउटडोर में आइस आता है, लेकिन यहाँ पे पूरा उल्टा हुआ है। यहाँ देख सकते हो जो सेक्शन की लाइन है वहाँ पे पूरा आइस आया हुआ है और पूरा वाटर लीकेज हो रहा है। देख सकते हो ये डक्टेबल यूनिट है 5.5 टन का और इसके अंदर देख सकते हो बहुत सारा आइस आया हुआ है और आइस आने की वजह से यहाँ पर वाटर लीकेज हो रहा है और नॉट कूलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा आइस आया हुआ है। तो कैसे फाइंड करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको फिक्स किया, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तो फ्रेंड यहाँ पर कंप्लेन था कि एसी कूलिंग नहीं हो रहा है, बिल्कुल हवा नहीं आ रहा है और वाटर लीकेज हो रहा है। एसी चालू है लेकिन फिर भी वाटर लीकेज हो रहा है, कूलिंग नहीं हो रही है। तो जब आके हमने देखा तो यहाँ देख सकते हो इंडोर यूनिट को जब भी खोला तो देखा तो पूरा बहुत ही आइस आया हुआ है। तो ये आइस क्यों आया है पूरा जानेंगे और कैसे फिक्स किया ये भी बताएंगे आपको। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो जो इंडोर यूनिट है इसके अंदर पूरा आइस आया हुआ है, यानी जो हमारा सेक्शन का पाइप है उसके अंदर पूरा आइस आया हुआ है। तो ये आइस क्यों आया है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं पूरा बताएँगे इस वीडियो में, लास्ट तक देखिए। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन वीडियो है। तो फ्रेंड यहाँ पे आइस आने का कारण यही हो सकता है, या तो जो हमारा ब्लोअर मोटर है वो चालू ना हो, या तो जो हमारा मशीन में गैस है वो लो हो, लेकिन इस मशीन में कुछ अलग ही प्रॉब्लम है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा आइस आ रहा है उसको हमने कैसे ख़त्म किया वो देखिए। तो पहले हमने क्या किया, मशीन को जो इंडोर यूनिट है उसको हमने देख सकते हो वेंटिलेशन पे चालू कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो हाई है और जो इसका मोड है उसको वेंट, यानी हमारा सिर्फ कूलिंग मोड से हमने इसको हटा के वेंटिलेशन पे कर दिया है ताकि जो हमारा फ़ैन जो ब्लोअर है वो चले, जिससे हमारा आइस मेल्ट होए और हमको पता चले कि प्रॉब्लम क्या है। तो फ्रेंड आ गए हैं आउटडोर के पास और आउटडोर पे देख सकते हो पूरा पानी पानी है, यानी जो हमारा आउटडोर यूनिट है आउटडोर के यूनिट के ऊपर भी आइस आया हुआ था। देख सकते हो कॉम्प्रेसर भी पूरी तरह से भीगा हुआ है, यानी गीला हुआ है। तो यानी इसका मतलब हमारा आउटडोर में भी पूरा आइस बना हुआ था। तो यहाँ पे आइस पूरा मेल्ट हो गया है और अभी हम लगाएंगे इसमें गेज। गेज हमने लगा दिया है और गेज लगाने के बाद देख सकते हो इसमें प्रेशर कितना शो कर रहा है। अभी ये स्टैंडिंग प्रेशर है, यानी हमारा एसी जो है वो बंद है। और आपको दिखाते हैं इसका कवर खोल के, तो देख सकते हो फ्रेंड जो हमारा गैस है वो 100 से भी कम है, यानी जो हमारा मशीन में गैस है वो बहुत ही कम है, इसके वजह से हमारा इंडोर यूनिट पे आइस आ रहा था। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हो हमारा जो प्रॉब्लम है वो गैस का प्रॉब्लम था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हमने क्या किया, आइस को मेल्ट किया, यानी वेंटिलेशन पे चालू करके रखा ताकि जितना भी आइस बना हुआ है वो मेल्ट हो जाए, फिर हमको पता चले कि प्रॉब्लम क्या है। तो देख सकते हो फ्रेंड अभी हमने आउटडोर को स्टार्ट कर दिया है और ये आउटडोर को स्टार्ट करने के बाद जो बैक प्रेशर है वो देख सकते हो आप 50-55 प्लस आ रहा है। तो अभी इसके अंदर हम थोड़ा सा गैस टॉप अप करेंगे और गैस टॉप अप करने के बाद ये जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो देख सकते हो गैस का जो प्रेशर है वो 50 से भी नीचे आ रहा है, यानी जब हमारा मशीन चालू हुआ तो 55 बता रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे ये नीचे आ रहा है, यानी 40 तक जाएगा। इसका मतलब यही है कि जो हमारा मशीन में थोड़ा गैस कमती है इसके वजह से ये ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी हम इस मशीन में गैस डाल देंगे तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।